आपको यहां पर ये बताएं कि नाजी न्यूज न्यूज की एंकर हैं इर्जा खान, जो कि पीटीआई की कवरेज के लिए, जलसे की कवरेज के लिए लाहौर पे मौजूद थी और कवरेज के दौरान वो क्रेन से गिरी हैं और बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुई हैं। खातून एंकर हैं इर्जा खान, जो कि क्रेन से गिरकर जख्मी हो गई। नाजी न्यूज की खातून एंकर पीटीआई जलसे की कवरेज के दौरान क्रेन से गिर गई और जिसके बाद खातून एंकर क्रेन से गिरने के बाद जख्मी हो गई हैं। 92 न्यूज़ की खातून एंकर इर्जा खान पीटीआई जलसे की कवरेज के दौरान क्रेन से गिरकर जख्मी हो गई। बेशक तमाम एंकर्स के लिए दानिश एक मुश्किल मरहला होता है लोगों को अपडेट करने के लिए, ऐसे काम किए जाते हैं। क्रेन पर कवरेज कर रही थी इर्जा खान और इसी दौरान इर्जा खान क्रेन से नीचे गिरी और जख्मी हो गई। जी मरियम, हमने देखा कि सहाफती जिम्मेदारियां निभा रही थी इर्जा खान, जो कि 92 न्यूज़ के एंकर हैं और वो क्रेन पर मौजूद थी कि इस दौरान वो गिरी। और आजकल ये रवायत बनती जा रही है कि क्रेन पर खातून एंकर्स होती हैं और कवरेज करती हैं और इर्जा खान इसी सिलसिले में जलसे पे मौजूद थी। मनाजिर भी आप देख रहे हैं जहां पर उन खातून एंकर को पानी पिलाया जा रहा है और उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और जो इब्तदाई जो उनको ट्रीटमेंट है वो भी कोशिश की जा रही है कि वहीं पर दिया जा सके। खवातीन के लिए एक मुश्किल मरहला होता है क्रेन पर चढ़कर अपडेट करना और कवरेज करना, लोगों को लम्हा बा लम्हा तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक बताना और इसी दौरान अपने फराइज की अंजाम दही के दौरान इर्जा खान क्रेन से नीचे गिर गईं।